सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और हमारे गेम प्ले के वीडियो में। आज TDM का पार्ट वन है, अब देख लो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब पूरा वीडियो देख के ही लाइक करना, पहले लाइक मत करना। इसमें एकदम हम रश खेलेंगे, रश रश खेलेंगे और मर जाएंगे आगे जाके, मतलब रश एंड डेड करके नाम रखेंगे। मैं यहाँ पर देखो, एक बंदा है, इसको मारा। M4 मिल चुकी है इसलिए अभी सही है। वैसे मेरे को स्कारल ज़्यादा अच्छी लगती है M4 से, इसलिए मैं TDM में तो स्कारल ही चलाता हूँ। ये गेम प्ले में इतने किल नहीं हो पाए, लेकिन ये पहला वीडियो है इसलिए अभी शुरुआत की, इसलिए अभी डाल दिया है वीडियो। अभी देखते हैं अभी कौन हाथ में आता है हमारे। ये बंदा दिखा था, उसको हमने कैसे भी करके मार दिया। अभी पीछे भागते हैं क्योंकि हेल्थ एकदम कम है। हेल्थ जैसे ही बढ़ेगी वैसे हम डायरेक्ट रश करेंगे। इसमें हमको रश एकदम रश खेलना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। अगर सामने 3 से 4 बंदे आ जाए तो भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट रश मार देना है। अभी देखो, जैसे कि 3 बंदे आए थे तो उसमें मैंने तो भी जाके मतलब डैमेज दिया सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम रश खेलना है बिना देखे समझे। अभी देखो ये साइड से जाते हैं, अभी 10-8 का स्कोर है। वहाँ पर एक देखो बंदा छुप के बैठा है, उसने डैमेज दिया लेकिन थोड़ी हेल्थ बढ़ाते हैं फिर साइड में से निकल लेंगे। अभी वो बंदे को देखते हैं, देखो इसको तो मार दिया, ये वही बंदा था जो ऊपर चढ़ के बैठा था। इसको फिर से मार दिया, नहीं हमने नहीं मारा, मतलब हमारी टीम ने टीममेट ने किल ले लिया। वैसे तो कोई बात नहीं, उतना चलता है। देखो जैसे कि ये मैंने 3-4 गोली मारी और बंदा ख़त्म हो गया, मतलब ये हमारा किल नहीं था। जैसे किल चोरी तो चलता रहता है। यहाँ से ग्रोजा उठा लेते हैं, वो सामने बंदा था, देखो उसको डैमेज बहुत दिया लेकिन अब नहीं मारा, क्या कर सकते हैं। उसके पीछे भी एक बंदा था, यहाँ से नेड करके चलते हैं। देखो उसके पीछे फिर से बंदा आ गए, इसको मारने की कोशिश करते हैं। ये भी नेड कर रहे, इसको मारा, उसका टीममेट है। देखो गोलियां ख़त्म हो गई और 2 बंदे चढ़ गए थे लेकिन हमने मारने की कोशिश की। वो बंदा थोड़ी की HP था, थोड़ी की HP पे था, उसको भी डैमेज दिया था हमने। ये वही बंदा है देखो, अभी वो जो जिसने हमको मारा उसने फिर से हमको मार दिया। ऐसे ग्रेनेड आपको फेंक ही देना है अगर आप आगे जाओ तब, ताकि ये प्रॉपर कवर मिल जाए। सामने वाले बंदा हो तो उसकी HP कम हो जाए और हमको कुछ ही गोलियां मारनी पड़ेगी और बंदा आसानी से मर जाएगा। वैसे स्लाइड करके खेलना है आपको, जैसे कि मैं अभी खेल रहा हूँ। नहीं आपको ग्रेनेड आगे कर ही देना है, आप जहाँ से भी जाओ वहाँ पर, और स्लाइड करके खेलना है। यहाँ से देखो फिर से M4 मिल चुकी है, पहले रिलोड करते हैं फिर चलते हैं। ये बंदा है देखो, मेरे को M4 इतनी फाती नहीं है इसलिए देखो मैंने फिर से स्कारे ले ली, इसको थोड़ा थोड़ा डैमेज करके इसको भी ख़त्म कर दिया। फिर वो बंदा है देखो, उसको मैं मार नहीं जा रहा था लेकिन ऊपर ऊपर चढ़ गया मैं। अभी मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो बंदा भी मार रहा था दूर से और ये बंदा भी मेरे मुँह के ऊपर चढ़ा था, इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ से आएगा तो मारेंगे, लेकिन आया नहीं, फ्री फायर दिया था लेकिन नेड से ही मर गया वो बंदा। देखो नेड ऐसे काम आता है, अगर सामने वाले बंदे की HP कम हो या फिर फुल हो तो उसकी हेल्थ कम कर देता है वो ग्रेनेड। देखो सामने वाले बंदे ने भी यही किया, उसने भी परफेक्ट नेड किया था। और आप जो साइड से मतलब कि जो साइड से जाओ वही साइड पे नेड करना है, ताकि आपको एक प्रॉपर कवर मिले। अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो राइट में नेड कर रहे हो तो फिर ये उतना फ़ायदा नहीं देगा, इसलिए मैं तो हमेशा राइट से ही जाता हूँ हर बार, और यहाँ पर ही आके नेड करता हूँ मैं। अभी 35-32 का स्कोर हो चुका है, अभी देखते हैं कौन जीत पाता है। वैसे ये मैच इंटेंस जा रही है, इसमें मेरे ज़्यादा इतने किल हुए नहीं है लेकिन 9 किल भी कम नहीं है।
अभी देखो 36-38 का स्कोर हो चुका है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये हम मैच हार भी सकते हैं, अगर हार गए तो मैं ये वीडियो नहीं डालूंगा। 39-37 है, अब तो जीतना मुश्किल है, अब तो ये पक्का है वीडियो नहीं डालूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे लेकिन हम जीत गए, इसलिए अब तो ये पक्का आएगा यूट्यूब पे। किसी के साथ हम जीत चुके हैं, मेरे 10 किल है, 10 या 11 इतने या 9 है पता नहीं, देख लेते अभी। 9